लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाप अपने बच्चों से जंग लड़ने जा रहा है, बस भगवान साथ दे। लग दिया सारा सामान? लग दिया ना जी मालिक। चल बैठिए। क्यों बे, क्यों रे बुढ़ाओ? बुढ़ाओ कौन बुढ़ाओ? अरे तुम क्या जवान कहो, ये नकली काले बाल लगाकर हुरिया बदलकर तू समझता है कि मुझे बेवकूफ बनाएगा? अरे तू औरतों का बुरका पहनकर भी जा रहा होगा ना, तो भी दूर से पहचान लूंगी कि वो देख मेरा गंजू मणिराम जा रहा है, समझा? हां मणिराम, मैं मणिराम नहीं हूं बहन जी, मैं उसका भाई हूं धनीराम। नहीं अरे अरे शाने, नई लड़की पटा ली, हुलिया बदल लिया, तो क्या नाम भी नया रख लिया तूने? देखिए बहन जी, ये मणिराम नहीं। अरे तू बीच में बता, वरना तेरे टुकड़े करके इसको खिला दूंगी। क्यों बे, क्यों बे, और 30 साल से मैं तेरे इंतजार में मरी जा रही हूँ, और तू इसे इस 56 छुरी को अपनाएगा? नहीं मैंने आपको, अरे 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 पता नहीं क्या किले ठोके बाल ने जो उखड़ नहीं रहे। अरे ये मेरे अपने बाल है, किले किसने ठोके बाबा? अपने बाल है? अरे बाबा मैं आपसे कह रहा हूँ ये मणिराम नहीं है बहन। हाँ। ये मणिराम नहीं है। अब तो मुझे भी लग रहा है बहन जी कि ये मणिराम नहीं है। क्या हुआ, क्या मुसीबत क्या है? देखिए मणिराम ने भाई साहब मुझे इतना जलाया है, इतना सताया है कि मैं लाओ मैं आपके पास। नहीं नहीं बस मैं ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे इतना जला है, इतना सताया है कि मैंने सारी भड़ास आप पे निकाल दी, मुझे माफ। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं बाबा, नहीं नहीं, नहीं बहन जी। भाई साहब एक मिनट, वो क्या है ना, वो बुढ़ाव कहाँ मिलेगा? कौन मणिराम? उसको छोड़ना नहीं है। नहीं नहीं, और मेरा नाम मत लेना। नहीं वो एक लड़की के साथ मांदरा क्लब में गए। अब नहीं छोड़ूंगी, ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद करेगा। अरे नहीं माफ कर दीजिए भाई साहब। नहीं नहीं कोई बात नहीं। उफ मणिराम गया काम से। They call me young boy, I'm young. अभी तो मैं आ गया अपना बुढ़ा। मोटी तू तैयार है ना? हाँ। मैडम मिस रीटा आप हैं? ये आपके लिए फोन है। अरे यहाँ आपको फोन कैसे आ गया? एक्सक्यूज मी, ड्रिंक प्लीज। आई डोंट वांट ड्रिंक। एक्सक्यूज मी सर। यस यस, बहुत गर्मी है, ठंडे ठंडे तौलिए से आपका मुंह पोछ दो। पोछ दीजिए। Excuse me, यहाँ एक लंबा खूबसूरत बाल वाला मूछ वाला एक आदमी बैठा था, वो किधर गया अंकल? ए, शर्म नहीं आती अंकल बोलती है? मैं तो वही हूँ डार्लिंग। वो आप? Oh no. मैं वो नहीं हूँ, क्या बात करती है? मेरे बाल ये मैं। ये लो ससुर जी आ गए। पिताजी आ गए? आ गए भाई। 1 2 3 शुरू जाओ। वेलकम वेलकम वेलकम। अब हम अपने पूज्य पिताजी का स्वागत करते हैं। और हम अपने पूज्य ससुर जी का
स्वागत करते हैं। पिताजी आज आप खुद यहाँ पर चलकर आए तो ऐसा लगा जैसे आसमान से साक्षात भगवान अपने नालायक बंदों को क्षमा करने के लिए आ गए। अच्छा क्या बात है। पिताजी भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बिछड़े हुए एक बार फिर मिल गए। पिताजी इसी खुशी के मौके पर आज मैं आपको अपने पार्टनर से मिलवाना चाहता हूँ। पार्टनर? किस बात का पार्टनर? हम दोनों मिलकर इस बंगले की जमीन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे पिताजी। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये मोहब्बत प्रेम और मिठास का पौधा जो है वो दौलत की जमीन पे खड़ा हुआ है। मैं भी कहूँ ये नीम के पेड़ में आम कब से लगने लग गए। बाय द वे वो कौन है वो तुम्हारा पार्टनर? वो मैं हूँ धनीराम जी। मल्होत्रा? मल्होत्रा? इस बच्चे को ऐसी नेक सलाह मेरे सिवा और कौन दे सकता है। शादी मुबारक हो धनीराम जी। डसने के बाद सांप को चाहिए कि बिल में ही अपना मुंह छुपा के रखा करे, वरना उसका सर कुचल दिया जाता है। इसको नीचे कीजिए। आज दूसरी मुलाकात की खुशी के मौके पर मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। आप जिंदगी भर याद रखेंगे। पिताजी! तुम इसके पार्टनर हो, यही तोहफा तुम्हें भी चाहिए? हाँ? धनी राम जी, जब कोई मुझे थप्पड़ मारता है तो मैं उस थप्पड़ को दुश्मनी के बही खाते में लिख लेता हूँ, ताकि वक्त आने पे सूद समेत वापस कर दूं। खैर आज तो आपका हनीमून है, हनीमून मनाइए, मैं आपको किसी और दिन देख लूंगा। एक बात कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है ना, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसका एक ही तरीका है, तुम्हारे बाप को खत्म कर दिया जाए। मर्डर? खत्म? हाँ हाँ खत्म। ऑल इज फेयर इन बिजनेस। खत्म कर देते हैं उसको, और ये फैसला तुम्हें आज और अभी इसी वक्त करना है, वरना तुम लोगों को गुलाम बना के रखेगा, और तुम्हें तो पालतू कुत्ते की तरह रखेगा, और तुम कुछ कर भी नहीं सकोगे। इसलिए आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बना देते हैं, ताकि कल सुबह का सूरज जब निकले तो रोशनी के साथ साथ तुम लोगों पर दौलत की बरसात हो, समझा? मगर तुम्हें मेरे साथ पार्टनरशिप करनी है नहीं? तुम्हें इस जगह पे बिल्डिंग बनानी है या नहीं? बनानी है। आप भी कैसी बातें करते हैं, इतना पैसे लगाने के बाद क्या मैं ऐसे ही जाने दूंगा? तो फिर आज की रात जब तुम्हारा बाप सोएगा तो वहां से सीधा शमशान जाएगा, सिर्फ शमशान घाट। गोविंद मल्होत्रा के साथ मिलकर मेरा खून करवाना चाहता है? जी हाँ, वो लोग आज रात को आपको सोते वक्त आपको खत्म करने का प्लान भी बना चुके हैं। ये मल्होत्रा तो बहुत कमीना आदमी है। जिसकी अपनी औलाद ही कमीनेपन पर उतर आई हो तो फिर गैरों से क्या शिकवा। दौलत के लालच में जमीर का खून होते बहुत बार देखा, मगर औलाद के हाथों बाप का खून होते पहली बार देख रहा हूँ। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा पिताजी। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, काहे को चिंता करता है। हम गोविंद को वो सबक सिखाएंगे कि वो भी क्या याद रखेगा कि किसी मर्द बाप से पला पड़ा है। बहुत खूब पिताजी। मल्होत्रा जी, ये काम आज ही रात को हो जाना चाहिए। फिक्र मत करो, आज ही हो जाएगा। धनी राम की जिंदगी का फैसला आज रात ही हो जाएगा। मतलब सिर्फ ये सोचना है कि उसका कत्ल कब, कहां और कैसे करना है। ये मैं बताती हूँ। ये काम तो सिर्फ मैं कर सकती हूँ। कैसे? मुझे अपने साथ मिला लो, मैं एक ही झटके में तुम्हारी सारी तकलीफें हल कर दूंगी। बहन जी, हम आपका मतलब नहीं समझे। मिस्टर मल्होत्रा, तुम्हें जमीन चाहिए,
और तुम्हें अपने बाप की जायदाद चाहिए। मुझे बीवी होने के नाते अपना हिस्सा चाहिए। तो तुम्हारी नजर भी मेरे बाप की दौलत पर है? नहीं तो क्या उनकी शक्ल पर है? मैंने क्या बिना किसी मकसद के एक 55 साल के बुड्ढे के साथ शादी की है? ओह मल्होत्रा जी, वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अच्छा बताओ कि तुम्हें मेरे, नहीं मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हारे स्वा की क्या कीमत चाहिए? What do you want? 50-50। अगर मंजूर है तो मिलाओ हाथ। अरे काका, एक मिनट, ये हाथ तब मिलेंगे बहन जी अगर आप अपने मेहंदी रंगे हाथों को अपने पति के खून से रंग दें। बोलो मंजूर है? मुझे मंजूर है। काका मिला दे हाथ, और मिला दे। धनी राम की जिंदगी का फैसला आज रात ही। चलो गोविंद, लाश उठाओ। ठहरो, इस लाश को मैं ठिकाने लगाऊंगी। ये देखिए, इस जगह पर 25 फ्लोर का टावर बनेगा, ऑल ग्रेनाइट इटालियन मार्बल, और इस जगह पर एक बहुत बड़ा पार्क बनेगा। इस जगह पर जिम्नेशियम, और इस जगह पर स्विमिंग पूल, और ये जो खाली प्लॉट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर शॉपिंग सेंटर बनेगा, सेंट्रली एयर कंडीशन। क्यों सेठ जी, है ना अच्छा प्लान? भाई जगह तो मने बहुत चौकी लगी, मैं पैसा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेके भूमि पूजन करवा लो। अरे भूमि पूजन भी करवा देते हैं जी, पर सेठ जी आप ये तो हुक्म कीजिए कि धन कब मिलने वाला है? मल्होत्रा साहब, धन के चीज है, मारे जेब में रखो है। अगर मने प्रोजेक्ट पसंद आ गयो तो समझो पैसा के चीज है, पैर को मैल है। पैर की मैल है? हाँ जी, पैर को मैल है। ये पहला सेट देखा है सेठ जी, ये मैल लेने, मेरा मतलब है ये पैसे लेने कल आ जाए? कल सुबह आके ले लेना। अच्छा तो मैं चलू। जय राम, जय राम जी, जय राम जी की। तो झुंझुन वाला सेठ उस जगह पे पैसा लगा रहा है? नहीं लगाएगा। वो क्यों? आज रात हम लोग उसका ऐसा झुंझुना बजाएंगे कि वो कल से नजर ही नहीं आएगा। ऐसे बेवकत भजन लग गया। ये तो ठीक है, कमाल है। अरे क्या हो रहा है भैया? झुंझुनाना सेठ। अरे कौन है भाई? झुंझुनाना सेठ। नहीं अरे क्या हो रहा है भैया? अरे कौन है? मैं यहाँ हूँ। यहाँ बैठो, मेरा नाम धनी राम है। तुम मेरी जमीन पर टावर बना रहे हो? अगर टावर बनाओगे मैं रात को आऊंगा, दांतों से तुम्हारा गला चबा कर खा जाऊंगा। उठो उठो, भागो भागो। चाचा जी, सेठ की हालत खराब हो गई है, उसकी कमीज गीली हो गई है और धोती पीली हो गई है, और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मैं प्रोजेक्ट में पैसों नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। वो फाइनेंसर तो भाग गया। अरे भैया पैसा कौन लगाएगा? पैसा कौन लगाएगा क्या मतलब? पैसा मल्होत्रा जी लगाएंगे। ओए काका,
पैसा लगाने से मैं भला कब इनकार कर रहा हूँ, लेकिन एग्रीमेंट बनाने से पहले ये तो बता देना था कि तुम्हारा बाप मरने के बाद भूत बन के आ जाएगा। और भूत की जमीन पे कौन पैसा लगाएगा? मेरा वो फाइनेंसर चुन चुन वाला भी भूत के डर से भाग गया। अब जो हो गया उसे भूल जाओ, अब ये बताओ कि आगे क्या करना है। ठीक है, मैं 2 करोड़ रुपया दे दूंगा। सिर्फ 2 करोड़? मल्होत्रा जी, जब आप ये बंगला देखने आए थे तो बात 5 करोड़ की हुई थी। ये बाकी के 3 करोड़ कहां से आएंगे? हम लोग मिलके कई बार से उधार ले लेंगे, समझा? हम लोगों को नहीं मिस्टर मल्होत्रा, सिर्फ आपको। जमीन हमारी होगी और पैसा आपका होगा, यही वादा हुआ था। और अगर मल्होत्रा जी आपने ये वादा पूरा नहीं किया तो हमें मजबूरन इस जमीन का सौदा किसी और पार्टी के साथ करना होगा। प्रिया जी, 35 नंबर 2, तुम जाके मल्होत्रा से कहो कि तुम्हारा एक बहुत पुराना आशिक है और वो तुम्हारी एक अदा पे 3 करोड़ रुपया पानी की तरह बहा सकता है। कौन है ये? है बुला फ्रांस का एक बहुत बड़ा रईस जिसका नाम है मिस्टर मित्रों। क्या मतलब? आप मुझे एक दिन में 3 करोड़ रुपया दिलवा सकती हैं? मिस्टर मल्होत्रा, आपने अभी तक प्रिया को पहचाना ही नहीं। प्रिया ने प्रेम का पूरा चिड़ियाघर बना रखा है जिसमें अलग अलग किस्म के जानवर फांस रखे हैं, जिसकी जब जरूरत होती है इस्तेमाल कर लेती हूँ। मतलब प्रिया जी, आप तो कमाल की चीज हैं। हम लोग मिलकर। मिस्टर मल्होत्रा, ये प्रिया बहुत महंगी चिड़िया है, मोती के दाने खाती है और सोने के निवाले चबाती है। तो आप 3 करोड़ दिलाने की बात कर रही थी? हाँ, दिला सकती हूँ। है मेरा एक चाहने वाला जो मेरी एक अदा पर लाखों उड़ाता है। लेकिन आपको मेरा कमीशन भी देना होगा। अरे बहन जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो हर मुनाफे में बराबर के हकदार हैं। ठीक है, तो कल आप अपने पार्टनर को लेकर मेरे साथ चलिए। हेलो डार्लिंग, वेरी एक्साइटेड टू सी यू। मिस्टर मित्रों, ये है मेरे दोस्त मिस्टर मल्होत्रा और मिस्टर गोविंदरा। हेलो। वेल, हम क्या मदद कर सकता है आप गोलों का? लोगों का। सॉरी, यू नो माय लैंग्वेज प्रॉब्लम। सर, दरअसल बात यह है कि yes? मैं अपना पुराना बंगला तोड़कर उस पर एक आलीशान मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। सर, उसके लिए मुझे 3 करोड़ रुपए की जरूरत है। ओनली 3 करोड़? बट मैन, तुम हमारा गर्लफ्रेंड का साथ में आए और 3 करोड़ मांगता? मैन, हम इसका एक उसको ऊपर, व्हाट इज दैट वर्ड, अदा, या इसका एक अदा को ऊपर 300 करोड़ रुपए एक साथ फेंक दिया था। डोंट डू दिस, कार्पेट खराब होता है। व्हाट आर यू डूइंग? तो हमें 3 करोड़ मिल जाएंगे ना जी? डेफिनेटली, कैसे नहीं मिलेगा? मैं गर्लफ्रेंड वो बिजनेस का तोरा तोरा उसूल होता है, उसको पूरा करो देन टेक एज मच मनी एज यू वांट। कुछ तोरा गारंटी दो और पैसे लो। सर, मेरे पास एक फैक्ट्री है लेकिन वो अभी बंद है। वो फैक्ट्री तुम्हारा अपना है? जी हाँ। जी नहीं, वो जी। व्हाट मैन, क्या करता है? कभी बोलता जी हाँ, कभी बोलता जी नहीं। डिसाइड व्हाट यू वांट टू से। सर, दरअसल बात है कि वो फैक्ट्री मेरे पिताजी की है लेकिन मेरे पिताजी दुनिया में नहीं रहे। हाँ, तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारा बाप गया, साथ में तुम्हारा दिमाग भी गया। तो जाना ही है जी। तुम भी जाएगा एक दिन। वेल, अभी हम तुमको एक फैंटास्टिक आइडिया देते हैं। वो मॉर्निंग को लोग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? या दैट्स इट। तुम एक अखबार के अंदर पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट दो पब्लिक का नाम को ऊपर, कि सस्ता सस्ता फ्लैट पब्लिक का वास्ते मिट्टी का भाव का अंदर, जो लेगा वो फायदा उठाएगा, जो नहीं लेगा वो भूखा रह जाएगा। ओ मैन,
ये है तो 30 मिनट भरेगा, पब्लिक दीवाना हो जाएगा, लोग दाना दन पैसा लाके देगा, पैसा 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 ऐसा फाइल अप हो जाएगा, जमा हो जाएगा, एंड कलेक्ट दैट मनी एंड मेक द टावर विद दैट मनी। मेट्रो साहब आपके दिमाग की तो दाद देनी चाहिए। ये पांव के जैसा हाथ है तो ये हमारा आइडिया नहीं है, हम फ्रॉड बेईमान आदमी को देखते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा दिमाग के अंदर ऐसा आइडिया आता है। ये बात तो हमारे दिमाग में आई नहीं, ये तो वही बात हुई कि ना हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखा। लीजिए साहब 20,000 रुपया। ये भी फुल हो गया? थैंक यू वेरी मच। ये मेरा भी लीजिए। सॉरी भाई साहब, अब एक भी फ्लैट नहीं। देखो भाइयों, सारे फ्लैट बुक हो चुके हैं, कोई भी फ्लैट खाली नहीं है, इसलिए आप लोग आप जा सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी भाइयों, एक भी फ्लैट खाली नहीं है। हाँ जी, तो कैशियर साहब कितना पैसा इकट्ठा हो गया? जी ड्राफ्ट चेक और कैश मिला के कुल 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़? वाह, मित्रों साहब ने भी क्या आइडिया दिया है, हमें 2 करोड़ चाहिए था, 2.5 करोड़ आ गया है। गोविंद राम, ये चेक और ड्राफ्ट बैंक में जमा करा देते हैं, जैसे ये सब कैश हो जाएगा अपनी बिल्डिंग पे काम शुरू कर देंगे। तो पब्लिक से उन्होंने फ्लैटों के एडवांस ले लिए? जी हाँ। और 2.5 करोड़ रुपए जमा हुए, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने सीमेंट वाले को, कॉन्ट्रैक्टर को और स्टील वाले को दे दिए हैं। इसका मतलब मल्होत्रा और गोविंद के पास इस वक्त पूरा पैसा हाथ में नहीं है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, यहाँ से इनकी बर्बादी शुरू। तुम एक काम करो, फौरन अखबार में इश्तहार दो कि मैग्नम टावर के सामने एक नया टावर बन रहा है, नई कॉलोनी बन रही है बजरंग कॉलोनी, और वहाँ के फ्लैट मैग्नम टावर के मुकाबले में आधे दाम में बिक रहे हैं। लेकिन बजरंग कॉलोनी बनाएगा कौन? हम लोग बना रहे हैं यार। ओहो, और जब लोग वो इश्तहार पढ़ेंगे और उन्हें पता चलेगा कि आधे दाम में फ्लैट मिल रहे हैं, तो वो तो अपना पैसा वापस लेने जाएंगे। हाँ मल्होत्रा स्पीकिंग। मल्होत्रा जी, आपने सुबह का अखबार पढ़ा? जिस किसी भी आदमी ने ये इश्तिहार दिया है, इसकी या तो हमसे कोई बहुत पुरानी दुश्मनी है, या मुझे कोई पागल लगता है। पागल? अरे हाँ हाँ पागल। कोई भी समझदार आदमी, होशमंद आदमी इतने सस्ते सस्ते फ्लैट बेच के खुद को इतने नुकसान में क्यों डालना चाहेगा? मैं तो कहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट पे काम करके कोई फायदा ही नहीं है, पब्लिक का पैसा वापस करना ही पड़ेगा। अरे यार क्या गधों जैसी बात कर रहे हो, कहाँ से पैसे वापस लौटा देंगे है? तुम्हारे सामने तो कल लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए, सीमेंट के लिए पैसे दिए, आर्किटेक्ट को पैसे दिए, स्टील के लिए पैसे दिए, पैसे है का जो वापस लौटा देंगे है? लेकिन मल्होत्रा जी, कौन उल्लू का पट्टा हमारे टावर में से फ्लैट खरीदेगा? बजरंग कॉलोनी के अंदर आधे दामों पर फ्लैट बिक रहे हैं, हमारे फ्लैट कौन खरीदेगा? हेलो, मैं ऑफिस से बोल रहा हूँ, साहब को दीजिए जल्दी जल्दी प्लीज। ऑफिस से कैशियर का फोन है, तुमसे बात करना चाहता है। मल्होत्रा जी आप एक मिनट होल्ड करो। हेलो सर, सर आप जल्दी ऑफिस आ जाइए सर, सर यहाँ हजारों लोगों की भीड़ लग गई है सर, सब अपना अपना पैसा वापस मांग रहे हैं सर। अरे बाप रे, आखिर वही होना जिसका डर था। अरे तुम उनको वहीं पर रोको, मैं 5 मिनट में मल्होत्रा को लेकर आता हूँ। सर आप ऑफिस आ जाइए वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। अरे आता हूँ ना, फोन नीचे रखो। आप शांति रखिए, वो आ रहे हैं। सुना आपने, सब लोग ऑफिस में जमा हो गए हैं, अपने अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। आप सबसे पहले काम कीजिए, फौरन ऑफिस में आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ मैं आता हूँ। ओए गोविंद राम, ना तो पैसे मैं तुझे दूंगा ना जनता को, परसों पहले जो चाल तेरे बाप के साथ चली थी वही चलूंगा। हमारा पैसा वापस करो, हमको फ्लैट नहीं चाहिए, ये कंपनी चोर है, चोर है। हमारा पैसा वापस करो, हम ऑफिस मांग ले आ देंगे। अरे आप लोगों को पैसा वापस मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। जैसे ही मेरे पार्टनर मिस्टर मल्होत्रा आ जाएंगे, आप सब लोगों को पेमेंट हो जाएगी। आइए सर, मल्होत्रा सब आ गए, मल्होत्रा सब आ गए। अरे भाई देखो, अरे शांति शांति, देखो अब लोगों के सबके पैसे मिल जाएंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम आप सबके पैसे वापस कर देंगे। मैं अपने पार्टनर को बैंक में लेके जाता हूँ, तब तक आप लोग यहाँ रुकिए, बैंक से पैसे लाके आपको वापस कर देंगे। गोविंद राम चलो भाई बैंक चलते हैं, सबका पैसा वापस कर देते हैं। हाँ चलिए। अजय काका चल, वजन तो हो गई 2.5 करोड़ है, आजा संभाल के सबका पैसा वापस कर देंगे।
इस मुसीबत में फंस गए हम लोग। पीछे की सीट पर रख दे, शाबाश बेटा, आराम कर, गुड बॉय। ये क्या बदतमीजी है, कौन है सब लोग? ये सब पोले हैं, इस सांप की औलादे। देख बेटा गोविंद राम, बुजुर्ग लोग कभी गलत बात नहीं कहते। तेरा वो बाप धनी राम ठीक ही कहता था कि मैं वो सांप हूँ जिसका काटा हुआ पानी नहीं मांगता। मुझे तो इसी दिन का इंतजार था कि कब ये माल मेरे हाथ आए और मैं तेरा राम नाम सत कर दूं। चल बेटा गुड बाय। नहीं 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 मल्होत्रा, देखो मल्होत्रा ऐसा मत करो, तुम मेरे पार्टनर हो और हमें ऐसा पैसा जनता को वापस करना है। नहीं नहीं, देखो एक एक काम करो, तुम मेरा पूरा हिस्सा ले लो लेकिन मुझे जान से मत मारो। मल्होत्रा मेरी बीवी है, मेरी बहन है, जरा सोचो उनका क्या होगा, जरा सोच। लगता है मुझे ही तेरा राम नाम सत करना पड़ेगा। मैंने तेरे बाप को नहीं छोड़ा, तू क्या चीज है? और मारो, खूब मारो साले को। अबे जब तू अपने बाप का बेटा नहीं बन सका तो मल्होत्रा का पार्टनर क्या बनेगा है? चल तेरी स्टोरी को दी एंड लगा देता हूँ मैं। कौन सा है? धनी राम, और तुझे तो मैंने मार दिया था। मैं नहीं, तुम्हारी अकल मर गई थी जो एक जिंदा इंसान को तुमने मुर्दा समझ लिया था। धनी राम तू? नहीं रे, मनी राम। तमीज से बात करो। मनी राम, शायद इसीलिए आज तक मेरी शादी नहीं हुई। अब मैं तेरी चिता जलाऊंगा और उसके चारों तरफ अपनी शादी के फेरे लगा। मेरी चिता कोई नहीं जला सकता, समझे? गए चलो भागो जल्दी। पिताजी, आपने वाकई सही कहा था, ये मल्होत्रा साहब की औलाद है, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, पब्लिक का पूरा पैसा ये खा गया। पिताजी मैं अपनी कीमत बहुत शर्मिंदा हूं, पिताजी बहुत शर्मिंदा हूं। इसी दौलत के लिए तो अपने बाप को मारना चाहता था। अगर बाप मर जाता और दौलत रह जाती, चलता था तुझे? नहीं पिताजी, मुझे दौलत नहीं चाहिए, अपने बाप के चन्नों की धूल चाहिए पिताजी। इससे बड़ी दौलत और कुछ नहीं है पिताजी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो। हेलो टाइगर, देखो अपने आदमियों को लेके वत्सवा यारी रोड पर पहुंचो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, जल्दी करो। ये चोर आ गया, ड्राइवर फोन बजाओ, हटा इसको। ओए ओए, अरे ओपन कर, ओए अरे कोई ठको इसको, भागो, ये मुसीबत कहां से आ गया? ओए अरे हटो, ओए ओए संभालो ड्राइवर, ओए गले हॉर्न बजा, हॉर्न बजा। चलो मल्होत्रा किधर गए? बहन जी, आपको पता है मल्होत्रा कहाँ है? जी, वो तो रास्ते में बांद्रा में उतर गया भाई साहब। उसका एड्रेस मालूम है आपको? नहीं, मुझे तो मेरा भी नहीं मालूम। मैं आपको बता दूँ। पहले इधर के लोग।
आ गए मेरे शेर। ये काले कफन के मुर्दे कहां से आ गए यार? अरे मां, साले तो मुझे मैं मार है। ये काहे की गोली है? ये जुलाब की गोली है, मत खाओ। छी, कोई ताकत की गोली नहीं है। ये गोली खाओ तो कितनों को मार सकते हो? एक साथ चार को मार सकते हो। चार को? हाँ। तो मैं सब खा लेता हूँ। एक साथ सारी मत खाओ, एक साथ सारी मत खाओ। अरे 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 ताकत की गोली खाइयो। खाई है? मुझे बहुत मारा। अरे मत खाओ, मैं कहता हूँ ये मत खाओ, ये जुलाब की गोली है, ये जुलाब लग जाएगा तुमको। अरे मैं कहता हूँ मत खाओ, ये जुलाब की गोली है। अरे तेरा सत्यानाश हो, मैं कहता हूँ मत खाओ, ये जुलाब की गोली है। मैं कहता हूँ मत। अरे वो तनीराम मनीराम और गोविंद राम। कौन सी गोली? अभी कहाँ जाऊँ? इसके नीचे उधर उधर। कैसे करूँगा, वहाँ तो पानी भी खत्म हो गया है। बेटा मल्होत्रा, यहाँ से भागना है, ठीक है? बेटे मैं तो बाथरूम जा रहा था। मैं यही करवा देता हूँ। अरे धनीराम, अच्छा हुआ तू आ गया, मुझे बचा। मैं तेरा पुराना तो पार्टनरशिप लेता था। ओ बेटा, अपने बाप को समझा। हाँ समझाता हूँ। ये कुत्ते हैं। क्या समझा इसको? मुझे ब्लड प्रेशर। हाँ तो ब्लड और प्रेशर निकाल दे। मुझे हार्ट की भी प्रॉब्लम है। वो हार्ट भी निकाल दे। ले ले, मरता क्यों नहीं साला? मल्होत्रा, तू आप यहाँ क्या कर रहे? सब्जी बेच रहे? थारे कारण, थारे कारण में बर्बाद हो गयो। पेट जी को भूत मारो, दिवाली होकर गयो। मैं थाने नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा थाने, मैं नहीं छोड़ूंगा। धनी राम को भूत। क्या है झुंझुन वाला सेठ, पहचाना? चलो चलो हड़प, चलो चलो मेरे साथ चलो। सब बाकी बात थाने में होगी, तुम पहले चलो मेरे साथ। लेकिन लेकिन आप चुपचाप बैठिए, पकड़ रखो इसे। गोविंद राम, पब्लिक को चीट करने के जुर्म में आपको ही पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। गोविंद, हमें माफ कर दीजिए। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबूजी देखो,
मैं जिंदगी में आज आखिरी मरतबा शादी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज अगर नहीं होने तो मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करने वाला, क्योंकि वो आ जाएगी। इसलिए क्या करो, जब तक मेरी शादी नहीं होती, एक एक दरवाजे पर, एक एक खिड़की पर, एक एक रोशनदान पर टाइट पहरा लगा के रखो। कोई औरत, कोई बच्चा, कोई परिंदा अंदर नहीं आना चाहिए जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाते। एकदम टाइट सिक्योरिटी, समझ गए ना? जाओ। आप फेट लगा के जाएंगे? क्या करूं, जो पगड़ी बनती नहीं है। एक जमाने मेरे क्या बात है, जाओ ना यार। पंडित जी चलो स्टार्ट, जल्दी जल्दी। सर आपका फोन है। मेरा फोन? जी। कौन है? कोई लड़की आपसे बात करना चाहती है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये वही होगी, मत फोन उखाड़ दे। सर बाहर दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है, आपसे अर्जेंट मिलना चाहती है। अरे ये वही आ गई, जब तक घेरे नहीं होते उसको अंदर आने मत दो। भाग। जी सर। पंडित जी जल्दी करो ना यार, तुम क्या कर रहे हो? उठिए उठिए, गार्ड पकड़ लीजिए। उठिए सर, वो लड़की जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रही है, गालियां बक रही है। अरे उसको भगा इधर से, जल्दी जल्दी चलो। सर सर, वो लड़की बाहर खड़ी है, पत्थर मार रही है। सर अरे उसके पत्थर खा लो, आने मत देना, चलो जल्दी। सर उस लड़की ने पूरे बंगले खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। अरे क्या मुसीबत है यार। अरे जल्दी करो यार, वो पत्थर मार रही है। शादी हो गई। शादी हो गई? हो गई। जीत गया? अरे वाह, मुबारक हो, हार रहा हूँ, मुबारक हो। तुम मेरी पत्नी, ये तुम्हारा पति। अरे वाह, हमारा प्यार जीत गया, वो हार गई। कितनी सच बात कही है आपने, है ना स्वामीनाथ? तुम अंदर क्या कर रही हो? भारतीय नारी जब किसी को अपना पति मानती है, भारतीय नारी उसे अपना कर ही अपने प्राण त्यागती है। मुझे नहीं सुना, फिल्मी डालो। भारतीय नारी कौन सी नारी? तुम अंदर कैसे आ गई? और वो आरती पत्थर कौन मार रही है? वो मेरी सहेली है ना, मोटी गुड्डू, वो थी। वो काहे के लिए मारी पत्थर? इसीलिए कि आपको शक न हो कि मैं अंदर हूँ। अरे यार, इस चक्कर में अंदर हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे 30 साल बर्बाद हो गए। पंडित जी ये फेरे उल्टे फिर सकते हैं? अच्छा धनीराम जी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। इजाजत दीजिए मतलब? मेरा काम हो गया है, मैं जा रही हूँ। मगर आप तो घर की मालकिन है, धनी राम की पत्नी नहीं बाटली। दरअसल हमने कोई शादी वादी नहीं की थी, जो भी था आज तक वो सब दिखावा था जी, सच नहीं था। मैं अपनी बिगड़ी औलाद को सुधारना चाहता था, मगर बाप की मर्यादा में रहकर। अगर 55 साल का बाप खुद शादी करेगा तो सुधरी औलाद बिगड़ जाएगी, बिगड़ी भी कहां से सुधरेगी? क्यों जी बिल्कुल। अब तो आपको यकीन हो गया ना? प्रिया जी आपने मेरा बहुत साथ निभाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया जी एक मिनट, प्रिया जी एक मिनट। हाँ? अब क्या है? आप मेरी एक बात मानेंगी? बोलिए मिस्टर बाटली वाला। बोलिए ना, आप मुझसे शादी करेंगी? क्या?